नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको एस के शर्मा चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज बात करते हैं मुट्ठी के अंदर तिल का क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हस्त रेखा शास्त्र में रेखाओं की ही तरह बिंदु और तिल का भी खास महत्व होता है। कहा जाता है कि यह व्यक्ति के जीवन में आने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के संकेतक होते हैं। आइए जानते हैं कि हथेली में किस स्थान पर बिंदु और तिल का क्या महत्व है और ये किन घटनाओं को संकेत देता है। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार अगर हथेली में तिल बिच्छों बीच में हो तो यह शुभ संकेत होता है। बता दें कि अगर मुट्ठी बंद करने पर तिल मुट्ठी में आपको आता है तो व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं रहती है। इन्हें हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ मिलता है। अब बात करते हैं मध्यम अंगुली के भी अंगुली पर तिल का क्या महत्व है। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी की मध्यम अंगुली पर तिल हो तो यह बांदा का संकेत है। ऐसे लोगों को सफलता बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। व्यापार हो या नौकरी, ऐसे लोगों को उन्नति के लिए बराबर भटकना पड़ता है। पारिवारिक दिक्कतें बहुत बनी रहती है। अब बात करते हैं सूर्य पर्वत पर काला तिल। हस्त रेखा अनुसार के यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर काला तिल हो तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। कहते हैं कि यह तिल हो तो व्यक्ति के मान और सम्मान में कमी होती है। ऐसे व्यक्ति समाज में हमेशा तिरस्कृत ही होते हैं। अब बात करते हैं सफ़ेद रंग की बिंदु क्या कहती है हथेली के बीच में। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार अगर हथेली में सफ़ेद रंग का बिंदु हो तो यह अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि यह रंग उन्नति कारक होता है। इसके अलावा लाल रंग का बिंदु बीमारियों का सूचक होता है। पीले रंग का बिंदु शरीर में रक्तापता का संकेत माना जाता है। वही काले रंग के बिंदु जैसे तिल है, काले रंग का बिंदु को धन लाभ का संकेत माना जाता है। कोई कमी नहीं रहती है उस व्यक्ति को। ये बात हम समुद्र शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, हमें इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। ये बातें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। एस के शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन मिले उसका। धन्यवाद। जय श्री श्याम।